चाहिए, ठीक है। इसी तरह औरतें अगर वो खुशबू लगाएं जिसमें फ्रेग्रेंस होता है, जैसे आजकल बड़ा सिस्टम चल पड़ा है, ठीक है, कि अच्छा एक बात ये भी याद रखिए, खुशबू या लगाने की हमारा मकसद और नीयत क्या हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया और हम अपने नबी के इत्तेबा करते हैं, लिहाजा जो चीज़ आपने पसंद की वो चीज़ हमारी भी पसंद होनी चाहिए। लेकिन हम इसलिए ना लगाएं जिस तरह से आजकल हो गया। खुशबू लगाने का मकसद क्या होता है? खुशबू लगाने का मकसद है कि अगर मैं ये खुशबू मारता हूँ तो इससे औरतें मुझे पलट पलट कर देख सकती है, ये खुशबू अगर लगाता हूँ तो इससे मतलब मुखालिफ जिन्स जो है वो कर सकती है। और टीवी एड्स भी देखिए, अब आप खुशबू लगा के जा रहे हैं, औरतें पीछे भाग रही है आपके, मतलब खुशबू के अंदर वो तासीर है जिसकी वजह से आप जिसको कहेंगे मुखालिफ जिन्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऐसी खुशबू आप नहीं लगा सकते, इसलिए कि इसकी नीयत, इसका मकसद इंतहाई घटिया और बुरा है, याद रखिए। समझ रहे आप बात को? अब औरतों का भी मामला ये हो गया, तो मर्द खुशबू लगाए सुन्नत की वजह से, ऐसी खुशबू जो आपके लिए अच्छी हो, तहारत और पाकीज़गी की वजह बने, लोगों के लिए खुशनुमा लगे आपका आना, अच्छा लगे कि आप है माशाल्लाह खुशबू आ रही है और पसीने की बदबू वगैरह उससे ढक जाती है, ठीक है। या इंसान के पास कभी कभी बदबू आती है कुछ वजूहत से, किसी के मुँह में कंटिन्यूसली स्मेल होती है हालांकि वो ब्रश करता है, किसी के कपड़ों में या किसी के स्वेट पसीने में ऐसी वो होती है कि लोग परेशान होते हैं, तो देखिए इतर लगाने से इंसान की सब छुप जाती है, आप खुशबू आती है और लोगों को अच्छा महसूस होता है। लेकिन औरतों को फ्रेग्रेंस वाली खुशबू लगाना मना है और हराम है,